दोस्तों अभी हम लोग रूम से निकल चुके हैं और साथ में भाई है इधर भी सुबह में और ये रुजर भाई। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए। लैपटॉप लेके आ गया। तो दोस्तों अभी अपने नए लैपटॉप पे सबसे पहले अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों लैपटॉप तो ले लिया ये लोग। अब देखना ये है कि लोग उसको काम उसमें से निकाल रहा है कि गेम वगैरह खेल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और पापा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। आज क्या है कि दिन भर हम लोग शूट पे थे, मतलब जिस काम के लिए हम लोग आए थे मुंबई वो काम हमारा हो गया, लेकिन उसको अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते, वो टाइम आने पे बता देंगे। ऐसे तो हम लोग चाह रहे थे कि आज ही हम लोग रिवील कर देते लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो हमारा भी मजबूरी है, हम लोग नहीं बता सकते ऐसा। तो आज दिन भर पापा भी शूट पे थे और इनका पूरा तबीयत अभी थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, थोड़ा देह हाथ में दर्द हो गया है, थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ये लोग भी बाहर जा रहा घूमने के लिए, हम तो बहुत घूम लिए हैं, तो ये लोग जा रहा घूम घूम के आएगा, तब तक हम यही होटल पे रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी पड़ गया। जो कल का आप लोग ब्लॉग देखे होंगे कि जो नया यूनिक आया एशियन पेंट की तरफ से, तो बस उसी के लिए हम लोग लेना पड़ा है। तो ये तो ब्लॉग आने से पहले, अभी तो वो ब्लॉग भी नहीं आया है, तो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं लेके आएंगे, फिर वो अपलोड करेंगे, तब मतलब आप लोग देख पाए होंगे। तो ये ब्लॉग आने से पहले ही वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे सीधा, थोड़ा मुंबई भी पूरा घूम लेंगे अच्छे से। भाई लोग तो नहीं घुमा है, सौरभ और शुभम घूम लेगा और पापा नहीं जा पा रहे हैं, तो अब निकलते हैं। पापा अपना यहाँ टाइम पास करेंगे टीवी देख के, ठीक है ना पापा। तो सारा दवाई वही ला के दे दिए, कहा खाए दवाई, दवा खा लिए है। तो चलिए दवाई खा लिए, पापा निकलते हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग रूम से निकल चुके हैं और साथ में भाई है इधर भी सुबह में और ये रुजर भाई। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए। क्या है, लैपटॉप एक और काम पे आएगा कि सुबह को पढ़ाई को लेकर अभी चाहिए था और एडिटिंग भी। अब शायद ये तो बोल रहा है कि एडिटिंग और अच्छा कर देंगे, अब पता नहीं कर पाएगा, लेवल का हो जाएगा। अब देखिए अब बोल रहा है तो उसी कारण हम लोग भी निकल गए लेने के लिए, मतलब जरूरी भी था। कुछ ऐसा ऐसा काम भी है जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे उसके बिना, तो चलिए अब वो भी हो जाएगा। इसका पढ़ाई को लेकर भी मतलब काफी अच्छा रहा, जैसे कोडिंग वगैरह इसको सिखाने का मन है तो करने का मन है, मतलब वो सब भी देख ले रहे हैं। तो अभी निकलते हैं, बस हम लोग पहुंच ही गए लग रहा है। दोस्तों अभी मॉल के अंदर तो आ गए हैं, बस अभी शॉप ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। और अपने को 16 GB रैम, ये कौन सा है सर? ये सही है ना? और कौन सा है आपके आपसे प्रेफर करते हैं? ये भी देख सकते हैं, स्पेस पर डिफरेंस यहाँ पे 1 TB मिला है, यहाँ पे 512 GB। अच्छा, ये 1 TB इज स्टोरेज? हाँ हाँ। अच्छा, दोस्तों अभी लैपटॉप तो फाइनल हो गया है, तो ये जो सामने लैपटॉप दिख रहा है यही हम लोग लेने वाले हैं। तो ये नहीं, इसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो अभी ये लोग देंगे और यही इसी को पसंद आया शुभम को, यही चूज कर रहा है। अब देखते हैं आगे इसको कैसे यूज करता है। और बाकी लैपटॉप तो काफी अच्छा है और हमारे यूज के लिए मतलब सबसे बेस्ट यही है, तो इसी को अभी लेने का पूरा फाइनल हो गया है। दोस्तों अभी लैपटॉप तो हम लोग ले चुके हैं और अभी शुभम इसको सेटअप कर रहा है, सेटअप करने के बाद फिर सारा बिलिंग करने के बाद फिर हम लोग इसको लेके सीधा निकलेंगे होटल के लिए। दोस्तों अभी हम लोग लैपटॉप ले लिए, अब सीधा हम लोग यहाँ से निकल रहे होटल के लिए। और दोस्तों पापा का जो पूरा बॉडी चेकअप करवाए थे उसका रिपोर्ट भी आ चुका है, लेकिन हम लोग फिर क्या कि डॉक्टर के पास वापस नहीं जा पाए थे, वो शाम में ही बुलाए थे और पापा का थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब हो गया उसी को लेकर, तो वो बोले कि कल सुबह सुबह आ जाना, तो कल पापा को लेके जाएंगे और क्या क्या रिपोर्ट में आया है वो सब कुछ कल मालूम चल जाएगा हम लोग को। ऐसे रिपोर्ट बता रहे थे कि ज्यादा मतलब अच्छा ही है, कुछ ऐसा इशू नहीं है ज्यादा बड़ा, तो चलेंगे वो डॉक्टर बताएंगे कैसा क्या करना है। बाकी हेल्थ को लेकर तो बहुत कुछ बोले कि उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग होटल पे आ चुके हैं, अब करीब 1 घंटे बाद ही यहाँ से जाएंगे। लैपटॉप लेके आ गया तो फिर ठीक है, अभी दवा खाते तो पसीना वाला छूटता है तो ठीक है। कौन कंपनी का है? ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है। दोस्तों ये लोग बाहर गया था तभी लैपटॉप लेके आया है, और थोड़ा इनको पढ़ाई के लिए चाहिए था और एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी, तो बहुत जगह से डिमांड था, यही लोग बोलता था कि लैपटॉप लीजिए लैपटॉप लीजिए, घर में लैपटॉप रहेगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलाने जानता तुम लोग? चलो अभी खुलेगा, अभी इंस्टॉल। अच्छा,
चलो कोई बात नहीं, सुबह कर लेना। दोस्तों अभी तो ये खुल गया है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या है इसमें। हमको तो नहीं बुझाएगा, कभी कभी हम देख लिया करेंगे। तो गाड़ी में रहेगा, घर में रहेगा? घर में नहीं, ले जा सकते हैं, बस चार्ज कर लेंगे, गाड़ी में हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर रोड में कहीं कर लेंगे, पंप में लगा के मिलेगा। हाँ, लेके जा। कर रहा सुबह अभी। तो दोस्तों अभी अपने नए लैपटॉप पे सबसे पहले अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं, ये देखिए हमारा आज का ही ब्लॉग है, वही पहला खुला है ओपनिंग में, तो बहुत अच्छा है। इसमें इसमें भी कहीं देख लेंगे, थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो मोबाइल में देखते थे, इसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा अब। तो दोस्तों लैपटॉप तो ले लिया ये लोग, अब देखना ये है कि लोग उसको काम उसमें से निकाल रहा है कि गेम वगैरह खेल रहा है, क्योंकि सुबह गेम डाउनलोड होने ही नहीं देंगे, लेके हम लोग चल जाते ट्रक में। अच्छा, गेम उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, तो भी मना है, गेम नहीं खेलना है, बाकी अपना जो वीडियो का है वो सब करे अपनी। जुबान तो नहीं, थोड़ा सौरभ भी जो है ये थोड़ा ज्यादा है, उसके हाथ में जल्दी नहीं आएगा, क्या कि ज्यादातर घर में रहता नहीं है, ही ज्यादातर बाहर ही रहता है, सुबह में घर में रहता है। और दोस्तों क्या है कि ये लोग से ज्यादा नॉलेज है हमको, सारा कोर्स करके रखे कंप्यूटर का, तो हम भी करके रखे, ये अभी कि हम 6-7 साल पहले किए हुए। और हम तो घर पे उतना रहते नहीं है, सुबह में इसको ज्यादा यूज करेगा, और बाकी कभी कभी GTA 5 देखते है। दोस्तों अभी लैपटॉप तो राके रूम पे रख दिए, तो अब हम जा रहे घूमने के लिए, खाना वगैरह भी हो गया, तो बॉम्बे तो रात में ही घूमने का है, तो ये भैया हमारे बोले की रात में ही घूमते है, चलिए अब घूम के आते हैं। दोस्तों अभी करीब रात के 2 बज चुके हैं, अभी हम लोग मरीन ड्राइव पे है, क्वीन नेकलेस भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे अभी करीब 2-3 घंटा बैठेंगे, 1 घंटा के आसपास बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे क्या कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा एकदम तेज हवा भी चल रहा है, और पानी भी यहाँ पे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, भाई लोग भी यहाँ पे हैं, और पापा से अभी थोड़ा बात भी हुआ, पापा बोले अभी तबीयत ठीक है लेकिन थोड़ा बोल नहीं पा रहे, अभी ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे तो खांसी ज्यादा हो गया है, तो बाकी सब कुछ तो सिरप वगैरह सब कुछ ला के दिए है, लेकिन अभी देख रहे खांसी के कारण थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पा रहे, इसलिए उनको बोले कि आप रूम में ही रहिए, और बाकी फल वल वगैरह सब कुछ ला के दे दिए, तो फल खा लेंगे तो वही ठीक है। अभी अभी क्या कि हेल्थ में भी उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है, तो अब कल देखते हैं, सुबह सुबह हम जल्दी चले जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा रिपोर्ट आता है। दोस्तों अभी तो मुंबई रात में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा, तो यहाँ पर भी आए तो बहुत अच्छा लग रहा, तो अभी रात भर घूमना है यहाँ पर। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, और रास्ते में भी जाने टाइम अंबानी जी का घर और कुछ एक्टर लोग का भी घर आता है, तो वो देखते हुए ये लोग को दिखाते हुए सौरभ और शुभम को निकल रहे हम लोग। अभी सबसे पहले जा रहे अंबानी जी का घर के पास, तो वो बगल में ही अभी अब दिखेगा ही। दोस्तों यही है अंबानी जी का घर, एंट्रेंस यही रहा, ये वाला गेट, अभी तो रात में थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, ये देखिए ऊपर जो बिल्डिंग दिख रहा है यही है, पिछले बार हम लोग देख ही नहीं पाते, ये रोड उस टाइम बंद था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो रात में तो काफी लेट से आए थे लोग, हम लोग 2-3 बजे थे लोग रात में आने में, तो अभी लोग जाने वाला रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास में, कि रिपोर्ट तो आ गया था लेकिन अब डॉक्टर दिखाना पड़ता है क्या है क्या नहीं, तो उस बाद मालूम चलेगा, थोड़ा अभी तबियत बना गड़बड़ है पहले से, तो देखते हैं आज थोड़ा बहुत दवा भी दे देगा वो भी ठीक हो जाएगा, चलते हैं अभी हम लोग। दोस्तों अभी डॉक्टर के पास तो आ चुके हैं, क्लिनिक यहीं पे है, तो यहीं जाना पड़ेगा, और उजैर भाई की मम्मी का भी चेकअप कराना था, मतलब बस रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट और दिखाना है, उनका रिपोर्ट है सिर्फ, और हमारा भी रिपोर्ट आ गया है, तो अभी जाते हैं। दर्द कर रहा पूरा, और थोड़ा अंदर से गजब कुछ भी लग रहा है, सर्दी खांसी है। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ है, कोई दवा चाहिए? रिपोर्ट है नहीं, रिपोर्ट किए कल ही चेक जी, अपने ऊपर कल रेगुलर कोई दवा नहीं चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पूरा चेकअप करवा के निकल चुके हैं, और बहुत अच्छे से चेक किए डॉक्टर, तो वही जो हम लोग मतलब सोच के रखे थे पहले से वही प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 108 kg है, तो डॉक्टर बोले वो 90 के आसपास होना चाहिए, यानी कि टोटल 18 किलो अभी वजन कम करने के लिए पापा को बोले 1 साल के अंदर, और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, तेल ये सब मीठा उठा सब कुछ खाना बंद करना पड़ेगा, तो आप देख रहे तेल वगैरह तो बोले थे बंद करने के लिए, अब थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा, और वजन सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम
हो गया, वजन तो कम करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। बोले एक साल के अंदर कम कीजिए, नहीं तो अभी ट्राई कीजिए। 8 किलो भी वजन कम हो जाता तो भी ठीक है। और लीवर के पास में थोड़ा सा सूजन हो गया है, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा पापा का बुखार चल रहा है, तो उसके कारण भी बोल रहे थे कि हो सकता है, नहीं तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होगा, तो वो बाद में फिर उसको दवाई से ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए, वो तो बाद में भी दोबारा बोले कि और 2-3 महीने के बाद एक बार और चेकअप करवा लेना ये सूजन वाले के कारण, और बाकी शुगर वगैरह सब कुछ सही है, वो भी बॉर्डर पे है। तो मतलब बोले ठीक ही है, उसको भी अभी आप जितना चीनी खाना या फिर मीठा खाना बंद करेंगे वो उतना अच्छा है अभी हेल्थ के लिए। और वेट तो शुगर खाने से ही बढ़ता है सबसे ज्यादा। तो चलिए, अब देख रही है सब चीज, अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, वजन को कम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब हम रूम पे तो आ चुके हैं, और आते ही पापा को उल्टी भी हो गया, तो अभी तबीयत थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया, लेकिन डॉक्टर जो दवाई लिखे थे सारा हम लोग लेके आ गए हैं। तो अभी खिचड़ी उनके लिए लेके आया है, खिचड़ी खिलाएंगे, उसके बाद दवाई देंगे, रेस्ट करने को बोलेंगे। और कल हम लोग को क्या कि यहाँ से निकलना भी है, और कल 1:30 बजे का फ्लाइट है, और वहां पहुंच भी जाएंगे रामगढ़। तो अब देखते हैं, कल घर पहुंचेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे घर पे, तो 1-2 दिन तो ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे सीधा गाड़ी लेके। लोडिंग का भी बात उत करना पड़ेगा फिर। तो पापा अभी रेस्ट करने देते हैं पापा को, उसके बाद ही फिर निकलेंगे जब अच्छे हो जाएंगे पूरा। तो ऐसा होता है इनको, मतलब कभी कभी बीच में थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब होता है, इधर आने के बाद इधर उधर का पानी, ठंडा पानी पी लिए, उसी के कारण थोड़ा सा तबीयत खराब है, बाकी लेकिन सब कुछ ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और आज कहीं घूमने का प्लानिंग व्लानिंग कुछ भी नहीं है, आज थोड़ा सा रूम में ही रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।